when you find the one you love. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सहर। मेरा नाम है नया। आप देख रहे हैं जिसको, तो वेलकम है, बहुत ज़्यादा स्वागत है कौन ही अमेजिंग सी वीडियो में। आज की वीडियो लेकर आए हैं, ये है जी आरजू काजमी की वीडियो, OIC इन मीटिंग इन पाकिस्तान, भेजा फ्राई, ऐसा कुछ लेगा अफगानिस्तान के हवाले से, IMF के हवाले से, और बहुत ज़्यादा मतलब के टॉपिक्स हैं जिन पे बात होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान ने OIC की मीटिंग में सभी देशों से मतलब मांगा है लोन, और मतलब जो कि हमारी हेल्प की जाए, और उनकी खासी बेइज्जती हुई है, ऐसा मैंने मतलब देखा है। तो देखते हैं इस वीडियो में आरजू काजमी हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो चलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी बिल्कुल, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज संडे है और संडे को बड़े काम हो रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि संडे को हम लोग छुट्टी करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। OIC की मीटिंग चल रही है जी पाकिस्तान में, और कई दूसरे इस्लामिक कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और आज ये मीटिंग चल रही है अफगानिस्तान के लिए। यानी अफगानिस्तान के लिए हम उन कंट्रीज से बात करेंगे कि जी हमें इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रिकग्निशन दे देनी चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, ये वही तालिबान है जिनके लिए हमने बहुत मेहनत की, जिनकी गवर्नमेंट हम बहुत कोशिशों के बाद हम बनवा पाए, और ये वही तालिबान है जो कि अपने बच्चियों को, अपने मुल्क की जो बच्चे हैं और लड़कियां स्पेशली, उनको स्कूल जाने नहीं देते। बिल्कुल जी, ये वही तालिबान है जो औरतों को कोड़े मारते हैं, ये वही तालिबान है जो लोगों को मार के और कहीं भी लटका देते हैं, कभी दरख्त पे, कभी क्रेन में, कभी कहाँ कभी कहाँ। और ये वही तालिबान है जो कि कहते हैं कि जी हम शरिया लाएंगे, नहीं तो हम मारेंगे आपको, ये करेंगे, वो करेंगे अपने लोगों को। बिल्कुल जी, मैं उन्हीं तालिबान की बात कर रही हूँ, आपको याद आ गया ना। बिल्कुल ठीक। तो जी हम उन तालिबान की मदद करने के लिए, क्योंकि उनके लोग परेशान हैं, उनके जो कंट्री में लोग रहते हैं, जाहिर है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, खाने पीने को नहीं है, और दूसरे कई प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने सोचा कि जी आप जानते ही हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बहुत करम है कि फंड्स मांगने में, लोन मांगने में और भीख मांगने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तो इस वजह से तालिबान ने भी जो है वो शायद हमें ही सेलेक्ट किया कि हम जो है वो OIC जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको बुला के और हम बात करें कि जी आखिर करें तो क्या करें। लेकिन एक बात है, और वो ये कि हम इससे पहले कि आगे बढ़े हैं और आपको मज़ीद कुछ बताएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात भी है, बिल्कुल, कल मैंने इन साहब की आपको पिक्चर दिखाई थी और मैंने गलती से कह दिया कि ये चाइनीज़ हैं। आप लोग तो इतनी ठंड में मेरे पीछे नहा धो के पड़ गए। अब हाथ धो के पीछे नहीं पड़ जाया करें, ठीक है, मुझे भी पता है कोरियन है। मैं तो आपको वैसे ही बता रही थी कि चाइनीज है। मैंने देखा, सोचा कि मैं देखूं आप लोग वीडियो देखते हुए, कहीं सो तो नहीं जाते, लेकिन ये बड़ी मुझे खुशी हुई कि बहुत से लोग जाग रहे थे हमारी वीडियो देखते हुए, और उन सब ने जो है करेक्शन की मेरी कि ये चाइनीज नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान तो फिर भी है ना जी, कोई भी सही। अब हमें भी कोई हिंदुस्तानी कह दे, कोई पाकिस्तानी कह दे, या कोई बांग्लादेशी कहते, हम तो माइंड नहीं करते। आप लोग पता नहीं क्या, बस छोटी छोटी बातें लेके ना बस पीछे पड़ जाया करें मेरे। खैर मैं आगे चलती हूँ, लेकिन एक बात है कि जी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी ये बताते हैं, सबसे पहले OIC पे जाने से पहले, पाकिस्तान जी मज़हब के नाम पे बना था, बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना, और उसके बाद हमने इस्लाम का वो हल किया
कि अगर इस्लाम इंसान होता तो कहता मेरा पीछा छोड़ दो। तो हमने इस्लाम को, जैसे कहते हैं ना, हर तरह से इस्लाम को, इधर से उधर से, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब हमने इस्लाम की जो है ना वो बस हमने बैंड बजा के रख दी, और हमने इस्लाम इस्लाम करके इतना इस्लाम इस्लाम किया कि इस्लाम भी सर पकड़ के बैठ गया कि ये मैं किन लोगों के हत्थे चढ़ गया हूँ, मुझे यहाँ से कौन बाहर निकालेगा। लेकिन खैर, हम आपको ये बता दें कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था, बना है, और इस्लाम जाहिर इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे ना तो कोई काफिर हमारे मुल्क का सदर हो सकता है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ना कोई आर्मी चीफ हो सकता है, और ना ही कोई हमारा इकोनॉमिस्ट हो सकता है जो हमें ये बता सके कि जी आपकी इकोनॉमी ठीक कैसे होगी, ये आप कब तक कटोरा लेके घूमते रहेंगे, कटोरा लेके मत घूमिए। तो इसी वजह से जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले मियां आतिफ को जो है वो इकोनॉमिस्ट के तौर पे रखा था अपनी गवर्नमेंट में। लेकिन फिर अचानक से खान साहब को किसी ने बताया, ओहो मियां आतिफ तो अहमदिया है, आपने इनको कैसे रख लिया, ये तो काफिर है, और हमने तो इन्हें काफिर डिक्लेयर किया हुआ है, चाहे वो खुद ना माने ना माने, तो ना सही जी हमने तो कह दिया ना जी काफिर है, काफिर कह दिया तो है। तो बहरहाल उन्होंने मियां आतिफ को हटा के और फिर किसी और को वो ले आए, फिर किसी और को ले आए, फिर किसी और को ले आए। आपको तो पता है ना खान साहब ने कितनी बार अपने जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले हैं, कितनी बार अपने मिनिस्टर्स को उधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, उधर से उधर, उधर, जैसे आप लोग शतरंज खेलते हैं ना तो वो शतरंज के प्यादे होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो उस तरह से खान साहब ने अपनी कैबिनेट चलाई है। ये मिनिस्टर जो है इसको ये मिनिस्ट्री में ये काम ठीक नहीं कर रहा, ऐसा करो, इसको किसी दूसरी मिनिस्ट्री में लगा दो ताकि वहां का भी बेड़ा गर्क कर दे। तो खान साहब इस किस्म की शतरंज खेलते रहे 3-3.5 साल, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जी हमारी इकोनॉमी जो थी वो बैठी हुई थी वो लेट गई। ठीक है, अब हम मानने को तैयार नहीं है, हम कहते नहीं जी नहीं, हमारे पास तो बड़े प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, हमें तो जी हमारा तो चाइना भी दोस्त है, हमारा तो अमेरिका भी दोस्त है, हमें तो सऊदी अरब ने भी पैसे दिए, सऊदी अरब ने हमें पैसे जरूर दिए हैं, लेकिन सऊदी अरब ने कहा है कि बैंक में रखना और देखना, सिर्फ आंखें ठंडी करना, टच ना करना। ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेरे पैसों को हाथ लगाया ना तो फिर मैंने तुम्हारा वो हाल करना है कि तुम लोगों की चीखें निकलेंगी। तो अब ये है कि वो पैसे हमने रखे हुए हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जी 72 आवर्स में मैं जब भी मांगूंगा तो 72 आवर्स में आपको वापस भी करने पड़ेंगे। तो कर देंगे जी, खा थोड़ी जाएंगे ना। तो लेकिन साथ साथ हमने अमेरिका और चाइना पे भी जाहिर हाथ साफ किया। अब बात सारी ये है कि जो काफिर हैं वो हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, आर्मी चीफ नहीं हो सकते, मतलब कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन इवन के टीवी एंकर भी नहीं हो सकते। लेकिन हाँ ये है कि हम पैसे मांगने के लिए काफिरों के पास ही जाते, उस वक्त ना हमें चाइना के पास जाते शर्म आती है कि ये तो खुदा को ही नहीं मानते जी, अजीब लोग हैं, और ना ही हमें अमेरिका से मांगते शर्म आती है कि जी ये तो क्रिश्चियन है और ये भी इस्लाम को नहीं मानते। लेकिन पैसे हमें सब काफिर ही देते हैं, और उसके बाद हाँ सऊदी अरब जो देता है यानी जो इस्लामिक कंट्री हमें देती है, हम उसको फिर के वो हमें इस तरह से देते हैं कि जी आपने जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं करना है, और बाकी सारे डेवलपमेंट के काम हो गए, वैक्सीन हो गई, कोरोना वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हमें इंडिया दे देता है, हालांकि वो भी काफिर है लेकिन वो हमें मेडिसिन दे देते हैं, वैक्सीन हमें बाकी सारी दुनिया के काफिर दे देते हैं, बाकी फंड भी हमें, चाहे पैसा चाहिए हो, डॉलर, हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जी हमारे पास डॉलर खत्म हो गए, और वो डॉलर मजीद मांगने के लिए भी हम काफिरों की तरफ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने, क्योंकि इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, तो बिल्कुल अब ये जो है OIC की जो कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे यहाँ आए हैं, और हमने स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम जाके भीख मांगा करते थे, अब हम घर बुला के मांगते हैं। जाहिर है ये लोग आए हैं, समोसे पकौड़े खाएंगे, जाते जाते कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे ना, इतनी शर्म तो होगी उनके अंदर के नहीं है, है? मेरे ख्याल है। खैर, उनको हमारे जी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब रिसीव कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, और उनकी भी जो मीटिंग हो रही है, जो जिसमें कि वो ये गौर करेंगे कि उनको जी अफगानिस्तान को जो है वो तस्लीम करना है, बल्कि तालिबान को तस्लीम करना है या नहीं करना, उसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ओ ये तुम लोगों ने कौन सी पिक्चर लगा दी शाह महमूद, सॉरी ये हम एडिट कर देंगे, शाह साहब पता नहीं किससे नोट पकड़ रहे थे, है शाह महमूद कुरैशी साहब ये कौन सी शाह साहब की ताज वाली लगा दी,
कोई ढंग की पिक्चर नहीं तुम लोगों के पास, इसमें शाह साहब थोड़े मोजस लग रहे हो, थोड़े ढंग के लग रहे। एक मिनट, ये आई जी, सॉरी, ये शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा हम जितनी भी हमने आपको पिक्चर दिखाई वो सारी ना हम एडिट कर देंगे। आप जानते ही, हमारा एडिटर पहले हॉलीवुड में काम करता था, और हॉलीवुड में जो टॉम क्रूज और जिस तरह की वो एक्शन मूवीज होती है उनकी एडिटिंग करता था, फिर वो बॉलीवुड चला गया, वहां पे जाके उसने अक्षय कुमार और दूसरे कई बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनकी मूवीज की एडिटिंग की है, और अब वो यहाँ पर आके हमारे साथ काम कर रहा है, तो इसलिए हमारी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, आप तो जानते ही, आप लोग अक्सर बताते भी रहते हैं मुझे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हुए एक चीज और आपको बता दें कि ये देखिए जी, बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश ने जी शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू लगा दिया है अपने कैपिटल में, और इसके बाद जी होना तो ये चाहिए था कि हमें बड़ा हंगामा करना चाहिए था, हमें भी जो टर्किश एम्बेसी यहाँ पर है उसके आगे जाके भंगड़ा डालना चाहिए था और कहना चाहिए था निकालो 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 इसके एम्बेसिडर को निकालो, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी हमारे यहाँ एक काम और भी हुआ है, और ये कि इकोनॉमी को तो हम मान ही नहीं रहे कि हमारी इकोनॉमी खराब हुई है, लेकिन उसके लिए आप जानते ही हैं कि शब्बर जैदी साहब ने कहा कि जी हमारा दिवालिया निकल गया है। उसके बाद रजाक दाऊद साहब जो फाइनेंस एडवाइजर है उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है वो, उन्होंने भी इकोनॉमी के ऊपर यही बात की कि जी पाकिस्तान जो है वो कंगला हो गया है, कलाश हो गया है, और इस किस्म के बातें उन्होंने की। और उसके बाद जी हमारे जो पंजाब के जो है गवर्नर साहब हैं चौधरी सरवर, उन्होंने कहा कि जी आईएमएफ के पास जाने के लिए हमने सारी चीज़ें गिरवी रख दी है, पूरा मुल्क हमने जो है वो एक तरह से आईएमएफ को लिख के दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो मानते नहीं है ये बातें, आप तो जानते ही हैं कि हमें ना पहले कभी मानी थी और ना ही हम आगे कहीं मानेंगे। पर एक बात और है, और वो ये कि कहा ये जा रहा है कि जी अब हमारी इकोनॉमी जो है आप जानते ही एक तरह से ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कान पे जू नहीं रेंगेगी, ये मुहावरा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वेंटिलाइज यूज करते हैं बड़ा अच्छा वाला, इस वजह से भी जू नहीं रेंगती उनके। बट हम फिर भी ये आपको बताते चलें कि जी ये ओआईसी की मीटिंग में से हमारा एक ये भी कुछ लोगों का कहना है कि हमने इसलिए बुलाई है कि हो सकता है जी वो जाते जाते दो थैले हमें भी दे दें चावल के, या जाते जाते हो सकता है अफगानिस्तान के लिए जो चीजें देंगे उसमें से दो चार चीजें हम भी मतलब हाथ साफ कर लें, मगर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इसलिए कि आज तक की तारीख में हमने किसी इस्लामिक कंट्री को दूसरे इस्लामिक कंट्री के साथ खड़े होते हुए नहीं देखा, हमने नहीं देखा कि कोई अमीर इस्लामिक कंट्री हो और वो किसी गरीब मुल्क की मदद कर रही हो, क्योंकि जाहिर है गिव एंड टेक होता है और जो गरीब कंट्री होती है उसके पास देने के लिए क्या होगा। लेकिन हाँ ये चीज हमने जो है वो काफिरों में जरूर देखी है, स्पेशली यूरोपियंस में, कि वो बगैर ये देखे कि रिटर्न में उनको क्या आएगा या ये कंट्री बड़ी है कि छोटी है, और वो उनकी मदद करते हैं। और अब हम देखते हैं एक वीडियो और फिर आपसे बात करते हैं। थर्डली के 25 तारीख को जो हैप्पी मैरी क्रिसमस सारे इस्लामाबाद में सेलिब्रेट की जाएगी, और जो लाइटें ओआईसी कॉन्फ्रेंस के लिए लगाई जा रही हैं ये यहाँ मुसलसल लगी रहेंगी और ये नहीं उतारी जाएंगी। थैंक यू। अच्छा जी, एक चीज सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूट कर दें जो फवाद साहब ने कही है, दुनिया न्यूज की टीम जी, ये थे शेख रशीद साहब, और इनका भी पहले कहना था ओआईसी मीटिंग से पहले इन्होंने कहा था मोबाइल बंद कर देंगे, खैर फिर उन्होंने बंद नहीं किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी 3 दिन की छुट्टी दे दी, अब आज संडे है लेकिन इस्लामाबाद में मंडे को भी संडे है, यानी मंडे को भी ऑफिसेज बंद होंगे, स्कूल्स में भी ताला होगा, और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें सिक्योरिटी का, ये न्यूजीलैंड वाले तो वैसे ही भाग गए थे आपको पता ही है, और श्रीलंकन टीम जो है उसके ऊपर एक बार फायरिंग हुई थी वो भी बस ऐसे, तो हम खेल रहे थे जी, हम तो वैसे ही हवाई फायरिंग शादियों में हवाई फायरिंग करते हैं तो ऐसी क्या बात हो गई, ये तो वैसे ही श्रीलंका वाले डर जाते हैं, और अभी जो श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरह से मारा गया ये तो हमारी आम है,
हमारे यहाँ मशाल खान केस भी है और भी बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के और लोगों को मार डाला है, लेकिन हम इस चीजों को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं क्योंकि इसमें सीरियस होने के लिए कोई चीज ही नहीं है ना जी। आपको तो पता ही है कि जितने बड़े हम चौकीदार और जितने बड़े हम चाचे मामे लगते हैं इस्लाम के, उतना तो कोई भी नहीं लगता। अब ये और बात है कि आजकल थोड़ा हाथ तंग है ना, तो क्या करें जी, बस हो जाता है कभी। लेकिन ये कि हमें यकीन है कि IMF ने हमें एक बार फिर लोन दे देना है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने हमें ऑलरेडी लोन दे दिया है और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी हमें जो है वो उनकी जो उन्होंने हमें कमिटमेंट किया था तो वो कुछ डॉलर्स हमें मिल गए हैं और इसलिए हम एक बार फिर चौड़े हो गए हैं। और ये और बात है कि चाइना जो है वो CPAC को दोबारा स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि जी तुम लोग ने मेरा दिमाग खाली कर दिया है और अब ये है कि पहले मुझे पैसे दो और उसके बाद बात करो। तो चाइना को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ना ही चाइना को ऐसा बोलना चाहिए था, क्योंकि चाइना और हमारी दोस्ती तो आप जानते ही हैं कि समंदरों से गहरी, आसमानों से ऊंची, शहद से मीठी, चॉकलेट से मजेदार और पिज्जा से अच्छी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देख लिएगा, वरना आप लोगों की भी ऐसी हालत हो जाएगी। जो आजकल ये पाकिस्तानी पब्लिक भी कुछ इसी तरह से सर पकड़ के खड़ी है जैसे आमिर खान। अब हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, तो देखा ही आरजू काजमी ने इस वीडियो में बताया, मतलब ये तब की वीडियो है जब मतलब OIC की मीटिंग हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला जैसा कि पाकिस्तानी बोल रही हूँ, इस्लामिक जो देश होते हैं वो बिना किसी मतलब के हेल्प नहीं करते किसी देश के, वो जो दूसरे देश होते हैं फॉरेन वाले वही हेल्प कर देते हैं। वो देखते हैं कि मतलब ये देश गरीब है तो उसकी चले हेल्प कर दी जाए, क्योंकि अमेरिका ने आपको पता है हमारी कितनी हेल्प की है और दूसरे देशों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है जब से पाकिस्तान मतलब बना है। तो OIC की मीटिंग हुई तो इस्लामिक जो देश आए थे उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, वो बोले कोई पैसा शैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई है पाकिस्तानी जो है मतलब बुला के यहाँ पे आ के उन्होंने इतनी इंसल्ट किया, तो सच्ची में ये बहुत बेइज्जती की बात है। और आरजू काजमी ने इसमें और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे बात की, तो सच्ची में देश के हालात तो वैसे इकोनॉमी हमारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पहले से ही, लेकिन अभी कितनी ज़्यादा ख़राब होगी ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ के जो मतलब हैं सियासतदान वो इस चीज़ को मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं कि हमारे देश के हालात अच्छे नहीं हैं। वो ये बोलते हैं हाँ हम ठीक हैं, बहुत लोगों से अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन जो अंदर के हालात हैं वो जाहिर सी बात है किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। तो OIC की जो मीटिंग हुई है मतलब यहाँ पे, उसमें मतलब कि बोल रहे थे कि सबको बुलाया था बात करने के लिए अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान के का भी क्या हो सकता है, क्या किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसका फैसला हुआ होगा या फिर पता नहीं कि कोई मानने के लिए रेडी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बस यही है हमारे देश के और हमारे PM और हमारी आर्मी के लोग जो के लगे रहते हैं कि नहीं वो हमारे भाई हैं, वो ये हैं, वो हैं, और कोई माने मतलब कि ऐसे मतलब जो होता है ना कि वो अगर बोलते हैं कि आपको क्या मान लो हमें कि हम लोग मतलब कि हमारी हुकूमत है, तो वो नहीं बोल रहे, वो मतलब डरते हैं ना उस चीज़ से कि अगर इन्होंने मान लिया तो इनका फिर क्या हाल होगा हर जगह पे, मतलब कि वो फिर ये इनको आइडिया तो जाहिर सी बात है सबको आइडिया होता है उस चीज़ का, तो उसकी वजह से हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। कहीं से लोन नहीं मिलेगा, ग्रे लिस्ट से सीधा ब्लैक लिस्ट में जाएंगे, और ब्लैक से भी अगर नीचे कोई लिस्ट होगी तो वहाँ भी फिर ये जाएंगे, रेड लिस्ट होती है मुझे लगता है ब्लैक के बाद, पता नहीं फिर इनको कोई लोन भी नहीं देगा। तो पिछले दिनों में ये न्यूज़ आई थी, हमने देखा इस्लामिक जो देश है उन्होंने इसराइल को एक देश के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दूसरे जो हैं इनके मतलब सऊदी अरेबिया या दूसरे तीसरे उन सब ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट, मतलब शर्म ही नहीं आती जो थोड़ी सी भी होती है ना शर्म। और शेख रशीद की वीडियो आपने देखी, वो लग रहा है कि कोई ऐसा मिनिस्टर है, उसकी हरकतों से जैसे उसने हरकत मतलब ऐसा कोई जोकर है जोक सुना के तो हमें चला गया, लाइटें जलती रहेंगी, लाइटों का क्या होता है मतलब लाइटें लगी रहेंगी, इस्लामाबाद में मनाया जाएगा क्रिसमस मनाया जाएगा। हाँ, ये तो क्रिसमस, और जब OIC की मीटिंग होगी तो 3 दिन तक मतलब जी जैसे आरजू काजमी ने बोला छुट्टी होगी, तो ये होगा वो होगा, तो क्यों छुट्टी होगी, आपका देश तो इतना ज़्यादा सेफ है, आप तो बोलते हैं हमारा देश जैसा तो दुनिया में कोई देश नहीं है।
तो फिर क्यों स्कूलों में छुट्टी जगह जगह मतलब बंद करके रखा? इसलिए किया ना कि कोई ब्लास्ट ना हो जाए, कोई कुछ हो जाए तो फिर वो जो आए वो तो कभी ज़िंदगी में यहाँ पे नहीं आएंगे, इस वजह से ही इन्होंने किया। जाहिर सी बात है, और आरजू मतलब कि इतनी मतलब बातें होती हैं लगा लगा के तो बोल देती हैं, मतलब ऐसे वे में बोलती हैं कि किसी को मतलब उतना बुरा भी ना लगे तो। लेकिन अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा इनकी वीडियो देखकर, और बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान रखती हैं हर चीज़ पे कि अभी ये हो रहा है, अभी वो अभी हो रहा है, हो रहा है तो हमारे पीएम आते हैं वो जब भी मैं उनकी कोई स्पीच सुनूँ ना, उन्होंने हमेशा ये कश्मीर का एक जिक्र करना होता है, एक अफ़गानिस्तान का। उस दिन भी इनकी स्पीच चल रही थी तो तब भी ये इंडिया हमारे से आगे कभी नहीं बढ़ सकता, हम इंडिया से आगे मतलब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो कभी नाम नहीं लिया हमारा, वो समझते नहीं कि वो हमें इतनी वैल्यू ही नहीं देते कि इनके बारे में जवाब इनके बारे में बात भी की जाए। तो ये बार बार उनके बारे में बात करके हमारी आवाम को बेवकूफ़ मतलब ये चूना मुझे लगता है पुराना बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी कुछ और न्यू ट्राई करना चाहिए हमारी आवाम को पागल बनाने के लिए, लेकिन अभी इतनी अंधी नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा लोगों की आँखें खुल चुकी हैं। तो क्योंकि आपको पता है डॉलर का रेट बढ़ चुका है 180 रुपये, तो 180 से बोल रहे हैं 200 रुपये पे जाने वाला है ये रेट डॉलर का, तो आपको पता है कितना ज़्यादा रुपए की कीमत कम हो चुकी है। सही बात है, यहाँ पे मतलब बिल्कुल आरजू ने बिल्कुल बोल रही थी कि यहाँ पे है कि यहाँ का जो पीएम होता है वो मुस्लिम ही होना चाहिए, और जो मतलब सदर होता है वो भी मुस्लिम होना चाहिए, कोई आर्मी चीफ कोई गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, और भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पे मतलब के जो होते हैं वहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। जबकि इंडिया में तो बहुत मैंने आर्मी में भी मतलब देखे हैं कि हायर होते हैं मतलब जनरल वगैरह होते हैं जो कि मुस्लिम्स होते हैं, और भी दूसरी जो होती हैं वहाँ पर हम लोग देखने में मिलते रहते हैं, लेकिन इन्होंने साफ साफ बकायदा लिखा हुआ है। बेशक आपके मतलब मुस्लिम्स में कोई इस लायक है या नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आपने मतलब के उनको ही रखना है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है, कोई आपसे ज़्यादा अकलमंद है लेकिन आपको कुछ नहीं बता सकता, मतलब के इतना ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ सीट्स उनके लिए होती हैं कि कुछ सीट्स पता नहीं वो किस लेवल की होती है, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही इतनी सी सीट्स होती हैं जो कि उनको दी जाती हैं नॉन मुस्लिम्स को। मतलब उनको ना ये इंसान ही नहीं समझते, हमारा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है हमारे, हमने कभी हिंदू तो देखा ही नहीं है मतलब अपनी लाइफ में, मैंने तो कोई हमारे स्कूल कॉलेज में कोई लड़की या कोई भी नहीं देखा, तो क्रिश्चियन होते थे उसको भी हमारे माइंड मतलब बच्चों के दिमागों में ऐसा डाल दिया कि इनको अपने से कमतर ही माना जाए, तो उनको लोग मतलब बुरी नज़र से देखते हैं उनको। अगर हमारे जो सब्जेक्ट है ना उसमें जो इस्लामियात की बुक मतलब इस्लाम की एक बुक होती है वो कंपलसरी की हुई है, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम है मतलब वो नहीं पढ़ना चाहते, वो अपनी बुक पढ़ना चाहते हो, तो उनको क्या कोई ज़बरदस्ती है कि आप ज़बरदस्ती ये पढ़ो आपको ये ही पढ़ना होगा? तो सच्ची में बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि मतलब यहाँ पे तो लिखा होता है कि सभी को इक्वल राइट दिए जाएंगे, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि जो है ना कायद आजम ने बोला था कि सभी 14 नकात है उसमें लिखा था कि जी सभी को इक्वल राइट दिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने में हमें नज़र तो नहीं आता हमारे आसपास। तो ये थी वीडियो आज की, तो उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। आपको तो मिलेंगे एक और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतनी ज़्यादा शेयर कीजिए कि आरजू हमारी वीडियो देख लें, मतलब कि ऐसा कुछ तरह से बोला नहीं लेकिन बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, हम सब लोग जानते हैं कि कितने अच्छे से वो मतलब बोलती हैं हर चीज़ को, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बयान किया होता है। ये इनकी एक अलग वीडियो होती है जो खुद की बनाती है, ये वीडियो देखने का वैसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसमें खुद बोलती है, दूसरी जो वीडियोज़ होती है ना वो जो डिबेट्स वगैरह होती है उसमें इन्होंने बस एक सवाल पूछना होता है, वो जो दूसरे होते हैं वही बोलते रहते हैं कि हाँ आपने ये पूछा था ये जवाब, यानी इस वीडियो में इनको खुद को बोलते हुए देखने का मतलब मौका मिलता है, तो अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और उम्मीद है कि बहुत आगे जाएँ, और मतलब कि ऐसे तो है कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है और यहाँ पे भी हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इनकी वीडियोस देखने में मज़ा आता होगा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आपको मिलेंगे एक और वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, फिर थैंक यू सो मच वॉचिंग, चलते हैं तो अल्लाह हाफिज़।